फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ की। मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में विष्णुदेव के नाम से भी जाना जाता है और विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो 1150 से लेकर 1164 ईस्वी तक रहता है। इस काल में इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की, राजनीतिक और मित्रों साहित्यिक उपलब्धियां इनकी इतिहास में आज भी जानी जाती हैं और विख्यात हैं। विग्रहराज चतुर्थ या विष्णुदेव अनुराज चौहान की मोरठा की योद्धा रानी, योद्धा क्षेत्र की जो रानी थी उसके पुत्र थे मित्रों। और इस रानी का नाम क्या था? सुधावा। अनुराज की रानी सुधावा के पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ। मित्रों, जब इन्होंने होश संभाला तो सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे और अपने भाई जगदेव को सिंहासन से हटा दिया। ये मित्रों पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि सिंहासन से हटाकर और इन्होंने खुद जो है चौहान जो साम्राज्य था उसको संभाला और अपने पिता की हत्या का बदला लेकर अपने पिता के उन शत्रुओं को और उन शत्रुओं के विरुद्ध अभियान छेड़ा जिसके जिन्होंने उनके पिता को कष्ट दिए थे। सर्वप्रथम उन्होंने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य वंश का शासक था कुमारपाल, जिसने चित्तौड़ पर अधिकार कर रखा था और चित्तौड़ का राज्यपाल उसने बना रखा था सज्जन को। इस सज्जन के साथ मित्रों उन्होंने संघर्ष किया विग्रहराज चतुर्थ ने और उससे नागौर छीनने का भरपूर प्रयास किया। इस सज्जन की जो गज सेना थी उसको नष्ट कर दिया। चालुक्य और चौहानों में मित्रों शुरू से ही शत्रुता चली आ रही थी। किस लिए चली आ रही थी मित्रों? नाडोल, राजस्थान का नाडोल जो पाली जिले में पड़ता है, इसके साथ साथ मित्रों जालौर और पाली के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को लेकर चौहान और चालुक्यों में परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी। अतः कुमारपाल समर्थक इन शासकों पर आक्रमण कर चौहान प्रशस्ति के अनुसार विग्रहराज ने जालौर को जला दिया, यानी कि जालौर पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक को हराया और जालौर को जलाकर उसको नष्ट कर दिया और नाडोल को भी, नाडोल के शासक को हराकर और नाडोल को उजाड़ दिया और पाली के शासक को हराकर पाली को बर्बाद कर दिया, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे मित्रों चालुक्यों के समर्थक थे। बांधलगढ़, भीलवाड़ा और जहाजपुर की जो रियासतें थी मित्रों उस पर भी चौहानों की सत्ता स्थापित की विग्रहराज चौहान ने। इसके पश्चात मित्रों बिजोलिया अभिलेख जो है, बिजोलिया अभिलेख और इसके साथ साथ राजशेखर की काव्य मीमांसा, राजशेखर मित्रों वही कवि वही साहित्यकार राजशेखर जो महिपाल के दरबार में थे, गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के काल में उनके दरबारी साहित्यकार राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की। और मित्रों बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रहराज ने उत्तरी शेखावटी में अलवर, भिवानी और हिसार के अहिरवाटी के भंडारकों को भी परास्त किया। मित्रों भंडारकों से संघर्ष जो था वो लंबा चला चौहानों का। पृथ्वीराज के काल में भी भंडारकों से चौहानों का संघर्ष हुआ। इस क्षेत्र पर अधिकार करके डॉक्टर दशरथ शर्मा और पालड़ी बावड़ी का जो अभिलेख, पालन बावड़ी का जो अभिलेख है मित्रों, इसके साथ साथ तो इतिहासकार दशरथ शर्मा भी हमें बताते हैं कि तोमरों को इसमें मित्रों तोमरों का शासन था दिल्ली पर, तोमर राजपूतों को, तोमरों को हराकर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली का जो शासक था मदन पाल तोमर ने विग्रहराज चतुर्थ की अधीनता स्वीकार की और विग्रहराज चतुर्थ का सामंत बन गया। मित्रों जब दिल्ली पर अधिकार किया विग्रहराज चतुर्थ ने तो रास्ते में क्या आता था? हाँसी। मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ हाँसी के जो पेड़े हैं वो बहुत प्रसिद्ध है और हाँसी मित्रों हरियाणा में पड़ता है। हाँसी पर भी चौहान राज्य ने अधिकार कर लिया, चौहान राज्य का एक अंग बन गई हाँसी भी। अब उत्तर भारत की अजय चौहान शक्ति के इस कर्णधारे ने मित्रों आर्यवर्त की मुक्ति और सुरक्षा का वचन लिया। हिंदू धर्म की संस्कृति, गौ ब्राह्मण तथा पवित्र धरती की गरिमा की रक्षा हेतु कटिबद्ध हो तुर्क आक्रमणकारियों को चुनौती दी। अब बारी थी तुर्क आक्रमणकारियों की, तो देखते हैं कि किस प्रकार निपटते हैं विग्रहराज चतुर्थ तुर्क आक्रमणकारियों से। मित्रों एक तुर्क सेना लाहौर के खुसरो मलिक या उसके सेनापति जिसका नाम था हमीर, या इसको अमीर भी कहा गया है, ये किसका सेनापति था? खुसरो मलिक का। और कहाँ से आया था? लाहौर से। और ये क्या थे मित्रों? जाति से तुर्क थे। इन्होंने खेतड़ी से तीन कोस दूर बेवरा पर आक्रमण किया।
भेरा नामक स्थान पर इन्होंने अपना पड़ाव डाला। अपने सामंतों के विरोध के बावजूद विग्रहराज ने आगे बढ़कर और इस शत्रु सेना को तुर्क सेना को अपने मामा जिसका नाम था सिंहनाद इसी हनंद की सहायता से परास्त कर दिया। मित्रों इस प्रकार तुर्कों पर भी विग्रहराज चतुर्थ ने विजय हासिल की। 1162 ईस्वी का जो शिवालिक का जो स्तंभ लेख है वो हमें इस बात की जानकारी देता है कि गजनवी तुर्कों से आर्यवर्त की धरती को मुक्त करा लिया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। रवि प्रभा सूरी राजस्थान के बहुत ही अच्छे इतिहासकार जिनके जो अभिलेख हैं हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो रवि प्रभा सूरी के स्तंभ लेख के अनुसार गजनवी तुर्कों से आर्यव्रत की धरती को मुक्त करा लिया। रवि प्रभा सूरी के लेख के अनुसार अजमेर स्थित जैन राज विहार के ध्वजारोहण समय में मालवा और मेवाड़ के शासक भी उपस्थित थे, यानी कि इन शासकों ने भी चौहानों की अधीनता स्वीकार की थी। मित्रों शस्त्रों के साथ शास्त्रों में भी परिणित थे विग्रहराज चतुर्थ और विद्वानों को उन्होंने संरक्षण दिया था। उनके दरबार में बहुत से विद्वान जो थे संरक्षण पाते थे और उनका जो दरबारी कवि था जिसका नाम था सोमदेव। मित्रों इसी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। ललित विग्रहराज को लेकर मित्रों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई। तो मित्रों ये एक नाटक है और इसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव ने की थी। मित्रों विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो स्वयं भी बहुत अच्छे साहित्यकार थे और इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की जो पूरी तरह संस्कृत में था। इन्होंने मित्रों संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में एक संस्कृति कंठा भरत का अनुसरण करते हुए अजमेर एक संस्कृति मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया जिसे संस्कृत महाविद्यालय भी कहा गया है। इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छे भवन का निर्माण करवाया, लेकिन बाद में मित्रों जब मोहम्मद गोरी 1198 में जब भारत पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है तो गोरी व ऐबक ने इस महाविद्यालय को एक मस्जिद में परिणित करवा दिया जिसे मित्रों आज हम ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। मित्रों इसकी दीवारों पर हरिकेलक नाटक की जो पंक्तियां हैं वो आज भी हमें देखने को मिलती है। मित्रों अजमेर नगर में बीसलपुर झील व शिवालय का जो निर्माण है वो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया। बीसलपुर यानी कि टोंक जिले में जो बीसलपुर नगर है यहाँ पर गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। तो मित्रों अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ विग्रहराज चतुर्थ जो थे बहुत अच्छे निर्माणकर्ता भी थे, चाहे वो साहित्य को ले या ले वास्तु को। मित्रों शैव धर्म के अनुयायी थे विग्रहराज चतुर्थ, लेकिन शैव धर्म अनुयायी होने के बावजूद इन्होंने वैष्णव व जैन धर्मों को भी पूर्ण सम्मान दिया। अजमेर में इन्होंने कई जैन विहार व वास्तु उपासरे यानी कि जैन भिक्षुओं के रहने के लिए कई जो भवन थे इनके द्वारा बनाकर दान दिए गए। मित्रों विग्रहराज चतुर्थ जो थे इस काल के महान कवि थे और इनका जो काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हर क्षेत्र में प्राप्त की। मित्रों यही विग्रहराज चतुर्थ जो थे पृथ्वीराज तृतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, क्योंकि ये पृथ्वीराज तृतीय के अग्रगामी थे। मित्रों इतिहासकार डॉक्टर शर्मा के अनुसार इनका जो काल था शापलदक्ष के चौहानों का स्वर्ण युग रहा। इनके काल में चौहानों की शस्त्र शक्ति व स्थापत्य जो कला थी वो चरमोत्कर्ष की स्थिति में आ गई। अब हम मित्रों जानेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में।